नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति अध्याय पढ़ रहे थे। और अब तक हमने इस अध्याय में क्या सब पढ़ा है? तो सबसे पहले हमने राष्ट्रपति के पद को जाना कि राष्ट्रपति का पद क्या होता है। उसके बाद इसकी योग्यता के बारे में जाना कि राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या है। उसके बाद देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, और उसके बाद चुनाव के बाद जो मतगणना होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेदों को देखा था। फिर हमने देखा कि कौन से क्रम पर किस राष्ट्रपति ने अपना सेवा दिया और उनका कार्यकाल क्या था, इस सब को हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो चलिए दोस्तों, हम आज उसे आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिली हुई है। यानी भारत के राष्ट्रपति जो हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कार्यपालिका के प्रधान हैं, नाम मात्र के ही हैं लेकिन कार्यपालिका के प्रधान हैं, तो उनको इस नाते कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो आज हम उन्हीं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है। इस क्रम में हम पहले आज देखेंगे कार्यकारी शक्तियों के बारे में। कौन सी शक्ति पहले देखेंगे? तो कार्यकारी शक्ति के बारे में देखेंगे। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति में दोस्तों पहला शक्ति है कि शासन संबंधी जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पहले ही मैंने बताया है कि राष्ट्रपति जो हैं वो हमारी कार्यपालिका के प्रधान हैं, और इसी नाते भारत सरकार में शासन के जितने भी काम होंगे, शासन संबंधी जो भी काम होंगे, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो पहला शक्ति क्या है कि शासन संबंधी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। शासन संबंधी सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शासन संबंधी सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो हमारी कार्यपालिका का प्रधान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार दिया गया है? नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। अब आप लोग पूछेंगे नियुक्ति तो बहुत सारी होती है, तो किस प्रकार की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यानी हमारी राष्ट्रपति को इतना अधिकार दिया गया है कि प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पदों पर नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे कि मंत्रिपरिषद, यानी जितने भी मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए बनाए जाते हैं, उन सबों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा कैग, कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद विभिन्न जो आयोग होते हैं, जैसे वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सबों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और ये सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं अपने पद पर, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। ठीक है, केवल न्यायपालिका के मामले में क्या होता है कि उसमें एक प्रक्रिया है उनको हटाने की, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है उसके बाद, लेकिन फिर भी हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति ही हटाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति को नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति,
तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन कर सकता है। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए तथा जितने भी पिछड़ा वर्ग हैं, इन सबों के लिए किसी आयोग का गठन अगर होगा तो उसका गठन कौन करेगा? तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा उनका गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, अब अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है? तो दो अर्थों में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। यदि केंद्र से राज्य के मध्य कोई विवाद हो, यानी केंद्र राज्य के मध्य विवाद हो, या राज्यों का आपसी दूसरे राज्यों से विवाद हो, यानी राज्य राज्य के मध्य विवाद हो, तो इन दोनों विवादों से निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति एक परिषद का गठन करते हैं जिसको कि अंतरराज्यीय परिषद कहा जाता है। यानी अंतरराज्यीय परिषद जो कि केंद्र राज्य या राज्य राज्य के मध्य विवादों का निपटारा करता है, इसका गठन कौन कर सकता है? तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा उसका गठन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी हमारे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि भारत के किसी भी क्षेत्र को, यानी जितने भी क्षेत्र उसमें किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, इतना अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह है दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति। क्या सब हैं? तो शासन संबंधी सभी काम राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। उसके बाद विभिन्न पदों पर नियुक्ति का अधिकार है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकते हैं। उसके बाद राज्य राज्य या केंद्र राज्य के मध्य विवाद के निपटारा के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये सब हमारे राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति हैं। अब दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति के विधायी शक्ति, यानी राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्ति भी प्राप्त हैं, उनके बारे में अब हम देखते हैं। यानी अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को विधायिका से संबंधित कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला जो अधिकार है वो क्या है? वह संसद के सत्र को आहूत करना, या उसका सत्रावसान करना, या उसका सत्रावसान करना, तथा लोकसभा को भंग करना, तथा लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग करना, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, या किसी भी सत्र का सत्रावसान कर सकता है, या वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यानी कि जितने भी संसद चुने गए हैं उन सबको बर्खास्त कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। और ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 के तहत दिया गया है। किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो संसद सत्र को आहूत करना, या उसका सत्रावसान करना, या लोकसभा को भंग करना।
इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति किसी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है, यानी संसद को संदेश भेजने का अधिकार। संदेश भेजने का अधिकार यानी राष्ट्रपति संसद को अगर कोई विधायक लंबित है तो उस संबंध में संदेश भेज सकता है कि फलाना विधायक आपके पास लंबित पड़ा हुआ है, आप जल्द से जल्द उसका निपटारा करें। या फिर किसी अन्य संबंध में जो राष्ट्रपति को लगता है कि इस संबंध में संदेश भेजना चाहिए तो संसद को संदेश भेज सकते हैं, और ये अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 86 के तहत। ठीक है दोस्तों, ये अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 86 के तहत। उसके बाद है दोस्तों कि जब भी नया संसद बनेगा यानी नया लोकसभा का गठन होगा, यानी चुनाव के बाद जब नया लोकसभा का गठन होता है तो उसका जो पहला सत्र होगा उसमें भाषण देने का अधिकार, तथा प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसमें संबोधन का अधिकार। यानी इस प्रकार से राष्ट्रपति को संसद में विशेष संबोधन का अधिकार है, संसद में विशेष संबोधन का अधिकार। यानी राष्ट्रपति जो है वो संसद में जब पुनर्गठित होता है लोकसभा उस समय संसद को संबोधित कर सकता है उसके पहले बैठक में, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष का जो पहला बैठक होता है उसमें भी संसद को संबोधित कर सकता है, और ये अधिकार मिला है राष्ट्रपति को आर्टिकल 87 के तहत। आर्टिकल 87 के तहत, तो इस प्रकार से आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति को विशेष संबोधन का अधिकार प्राप्त है संसद में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और इन 12 सदस्यों को आर्टिकल 81 के तहत तथा लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्य को और ये प्राप्त है इस आर्टिकल 331 के तहत नामित कर सकता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम जब संसद का अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि 12 सदस्य कौन होंगे। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक है, और इसका अधिकार राष्ट्रपति को कहां से प्राप्त है? तो आर्टिकल 81 से प्राप्त है। इसके बाद यदि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं हैं, यानी आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कम से कम दो आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं है लोकसभा में, तो दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और इसका जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 331 के तहत मिला हुआ है। किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? आर्टिकल 331 के तहत मिला हुआ है, यानी आर्टिकल 81 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को तथा आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों विधायी शक्ति के तहत अगला अधिकार क्या प्राप्त है राष्ट्रपति को? तो अगला अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार।
यानी कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय यदि किसी विधेयक को बनाने की आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो अपने इस शक्ति का प्रयोग करके उस अध्यादेश को लाएगा। और इस अध्यादेश की खासियत क्या है, इसकी एक खासियत है कि जब लोकसभा यानी संसद फिर से उसका सत्र चलने लगेगा, यानी संसद का जब दोबारा सत्र चलने लगेगा तो उसके 6 हफ्ते के भीतर इस अध्यादेश को पारित कराना आवश्यक है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो तत्काल कानून की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन इस अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर पारित कराना आवश्यक है। और ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर 3 प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, ठीक है, क्या सर? तो पहला तो वो उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है, और जब स्वीकृति दे देता है तब वो विधेयक लागू हो जाता है, ठीक है। यानी जब कोई कानून बनाना होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अत्यंत आवश्यक है। किसी किसी विधेयक में राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति ली जाती है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक में पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ली जाती है फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, और कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति से बाद में स्वीकृति ली जाती है, यानी कि विधेयक को लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया जाता है उसके बाद उसको उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं देता है, एक तो स्वीकृत कर लेता है यानी अपनी स्वीकृति दे देता है, और जैसे ही स्वीकृति दे देता है तो वो कानून बन जाता है। दूसरा, उस पर स्वीकृति नहीं देता है, तो क्या करता है, तो कभी कभी अपने वीटो का प्रयोग कर लेता है, जैसे पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया, पॉकेट यानी उस विधेयक को पॉकेट में रख लिया, न स्वीकृति दिया न अस्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, क्या करता है, पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो पुनर्विचार के लिए लौटाने का तात्पर्य है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं नहीं ये अभी समय के साथ अनुकूल नहीं है या इसमें कुछ त्रुटि है, तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए संसद में भेजता है। यदि संसद उस विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो फिर राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना आवश्यक हो जाता है, यानी उसके बाद राष्ट्रपति बाध्य है उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति को देखा, और आशा करता हूँ कि दोनों शक्तियाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के सभी वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।